तो गाइस हो गई है गर्मी स्टार्ट मार्च के महीने में ही, और हम जा रहे हैं आज स्विमिंग पूल को। वैसे तो हम एक बार पहले मार्च स्टार्टिंग में हो आए थे, लेकिन उस टाइम पे हो रही थी ठंड, तो निकल रहे हैं हम। देखिए बाघ, चीता, चीता दिख जाएगा आपको यहाँ पे। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। तो जा रहे हैं हम डूंगा की तरफ, वहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, तो देखते हैं रश होगा कि नहीं। और माइक का जो है टेस्ट भी होगा आज, बताते हैं आपको, मिलते हैं आगे। तो हमारे साथ हैं हमारे राइडर तोसित बाबा, और चार लोग जा रहे हैं फिलहाल हम अभी, बाकी लोग सब घर जा चुके हैं। टुन्नू ब्रदर बैठ रखे हैं हमारे। हेलो किधर ब्रदर, देख सकते हैं आप मौसम क्या, यहाँ फोटोशूट के लिए आप आ सकते हैं। एरिया मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, अगर आपको फोटोशूट करना है और आप देहरादून में हैं तो आप इस जगह पर आ सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है फोटोशूट के लिए, काफ़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी लोकेशन आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। तो मांडूवाला से करीब 5 किलोमीटर ऊपर डूंगा से लेफ्ट थोड़ा सा हमें आगे नीचे जाना पड़ेगा, रिवर साइड पे है ये वाला पूल। तो पहुँचते हैं हम थोड़ा देर में। पिछला वाला जो व्लॉग था वो बिना बाइक के बनाया था, तो उसमें साउंड जो क्वालिटी थी उसमें भी काफ़ी दिक्कत, मैंने जब एडिटिंग कर रहा था मैं तो देखने को मिल रही थी, तो मैंने सोचा इस बार माइक लेके चलते हैं, देखो क्या फ़र्क पड़ता है माइक और बिना माइक के। तो हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है सीधे आगे, आगे जाके हम पहुंचेंगे डूंगा, और डूंगा से हम लेंगे लेफ्ट। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं डूंगा से 50 मीटर आगे, और यहाँ से हमको लेना रहेगा राइट। अभी दिखाते हैं आपको शिव मंदिर, जय भोले जी। हाँ, यहाँ से लेना है हमको राइट, ना कोई नहीं डालो, ये है रास्ता। यहाँ पे हॉस्टल भी बन रहा था, एक बन चुका है, जो सिंपली आपको नीचे यहाँ से पहुँच के लेना रहेगा राइट। स्टार्ट ही कर लेते, गाड़ी भी आ सकती है आगे। पूरी ऑफ रोडिंग वाली जो है रोड है, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ तब तक नीचे का। नीचे भी गए हुए हैं हम काफ़ी बार, पानी बहुत कम रहता है इस तरह, सूखी हुई है पूरी नदी। रास्ता देखिए, तो यहाँ से फिर आगे आइए, हेलीपैड की रोड, सीसी मार्क आपको यहाँ से सीधे जाके आप सीधे आपको जाना है, और सीधे वो नीचे नीचे कूद जाना है। कोई सेंस है इस बात का? ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, पता चला आप यहाँ आके सीधे नीचे कूद गए। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे, आपको पता चल जाएगा कि आपको जाना कहाँ है। लेफ्ट लेफ्ट, जो दो हमारे मित्रगण हैं वो पहुंच चुके हैं आगे, जायज़ा लेने के लिए गए हुए हैं वो। काफ़ी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे, फ़ोटोशूट के लिए भी आ चुके हैं हम बहुत बार पहले, पहले बहुत घुमा करते थे यहाँ पे। ये फिर दोबारा हमें कच्चे रास्ते को पकड़ना है, और हमें सीधे जाना है सी लेवल पे। ओ गाड़ी हमारी स्कूटी जो है वो हो चुकी है हमारी बंद लाल में, और तो सिर बाबा काफी भारी मुश्किलात में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ऑन है चाबी। तो ऐसी मुश्किलात में अगर आपकी भी गाड़ी बंद हो जाए तो कृपया किक का सहारा आप ले सकते हैं। खाई से नीचे फेंकेंगे इसे,
चंदू बाबा ने दिखा दिया, चंदू बाबा ने दिखा दिया अपना कमाल। चंदू बाबा क्यों निकले तो चंदू बाबा कैसा फील हो रहा है आपको? टैलेंट आप में बचपन से था स्कूटर ठीक करने का, ये बड़े हो के आया तो ये है हमारी डेस्टिनेशन। दोस्त लोग जो हैं हमारे भाई लोग वो निकल चुके हैं आगे। ये रास्ता बेटा जी, नदी है नीचे जो कि सूख चुकी है पूरी पूरी तरीके से फिनिश। काफी कठिनाइयों का सामना करके हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। किधर किधर किधर, हाँ नदी में थोड़ा बहुत आ गया। पहुंच चुके हैं हम, काफी भीड़ है फिलहाल। क्या है सीन, चल गर्मी भी हो ही गई है यहाँ पहुंचते पहुंचते। भाई सही मजे ले रखे, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे अभी फिलहाल। जब पिछली बार आए थे हम इतनी भीड़ नहीं थी। ये टुन्नू भैया आ गए हमारा टिकट कटवा के। तो टुन्नू भैया कितने का पड़ा आपको टिकट? सस्ता ही है। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई मैं चलता हूँ। ओके ओके भाई, ओके। तो टुन्नू भैया का कह रहा है अगर आप आना चाहते हैं गर्मी में तो सस्ता ही है टिकट। ये देखो पीछे तो नहीं चल रही है। चलो फिर आओ टुन्नू। तो तुम्हारा भाई करने जा रहा है अब जंप, जंपिंग जपा जंपिंग जंप मारेंगे जंप। मस्ती चल रही है यहाँ पे। वन टू थ्री फोर फाइव। तो टुन्नू जी कितना गहरा है यहाँ पे? 7 फीट करीबन गहरा है यहाँ पे। मजे ले रहे हैं सब लोग। हमारे दो बंदे ऊपर बैठे हुए हैं, वो नहा नहीं रहे हैं फिलहाल। तैरना तो आता नहीं, यही कर लेते हैं। तैरना तो हमको आता नहीं है फिलहाल, हम ब्लॉगिंग ही कर रहे हैं। तो पेमेंट वेमेंट करके हम निकल चुके हैं वापस। ये देखिए यहाँ ठंडे पानी का मजा ले रहे हैं। पानी पूल में जा रहा है भाई साहब, यहाँ मजा ले रहे हैं इसका। कितने की पड़ी मैगी? मैगी कितनी सस्ती थी। ऐसा वाला टप मत दे। तो जो हमारे टुन्नू भैया हैं वो दर्शकों को नहीं बताना चाह रहे हैं कि मैगी कितने की थी। ये राज भी उन्हीं के साथ चला गया, मतलब ये राज भी उन्हीं के साथ आ रहा है हमारे पीछे। ये जवाब जो है उनकी हंसी से आप समझ सकते हैं कि मैगी का रेट। ऐसा देखिए आप, ओ माय गॉड, अभी गिर गया था मैं। काफी खतरनाक रास्ता।
व्यू अच्छा है भाई यहाँ से। गड्डी स्टार्ट, निकाल भाई गड्डी निकाल ले। अच्छा रे तो सुबह जो हमारे काफ़ी घातक भाई, गाड़ी निकाल के अभी भी जो है भीड़ जा रही है। घोड़े भी दिख जाएंगे आपको यहाँ, अगर आपको हॉर्स राइडिंग करनी है तो, होती तो है नहीं यहाँ वैसे। यहाँ से है टफ कॉम्पिटिशन, अब रेस छोड़नी नहीं है बिल्कुल, फुल भी नहीं देंगे। सीधे यहाँ से पहुंचेंगे अब रोड पे। ओह माय गॉड, इतने बड़े गड्ढे। पकड़े पकड़े हाथ, अब राइट को भी जा सकते हैं भाववाला, और अब लेफ्ट को भी जा सकते हैं डूंगा से सीधे मांडू वाला। चॉइस इज योर्स। तो हम जाएंगे मांडू वाला। तो अगर आप हमारे व्लॉग पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट जो हमारा व्लॉग होगा या वीडियो जो भी होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। चलते हैं हम, फिलहाल मिलते हैं आपको, टाटा बाय बाय। तो पहुंच चुके हैं रूम पे, आज संडे है, सूरज बाबा भी रूम पे होंगे, जिम तो गए नहीं होंगे। तो बने रहें हमारे साथ, लेते आते रहेंगे हम आपके लिए ऐसी नई वीडियो, रोमांचक कुछ नया ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, टाटा बाय बाय।